वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चाइना डिफेंस अपडेट 0.2। दोस्तों, पिछले कई महीनों में भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग में सुधार हुआ है। भारत अब आर्मेनिया की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2022 में लगभग $250 मिलियन के भारत निर्मित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 4 बैटरी का ऑर्डर दिया गया था और अब आर्मेनिया ने अपने रूसी निर्मित SU-30 SM फाइटर जेट के लिए हथियार की आपूर्ति और पायलट को प्रशिक्षित करने के लिए भारत को चुना है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। इसराइल ने अक्सर सीरिया में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे बचने के लिए ईरान ने सीरिया में बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 को तैनात करने के लिए लाखों डॉलर का खर्च कर रहा है। ईरान का मानना है कि इजराइल के हवाई हमले अक्सर सीरिया सैन्य कर्मियों को जोखिम में डाल सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। इस हफ्ते की शुरुआत में कनाडा ने रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने तुरंत CF-18 हॉर्नेट को बदलने के लिए 88F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने के लिए $14.2 बिलियन के सौदे पर साइन किया है, जबकि F-35 2026 तक सेवा में प्रवेश करना शुरू कर देगा। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने अभी भी काफ़ी कमियों के बीच इन विमानों को उड़ाने के लिए पायलटों की भर्ती करना चाह रहा है।